हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका है इस वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा दोस्तों YouTube वीडियो के रिंगटोन हम सेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और कैसे करेंगे आपके सामने बिल्कुल लाइव प्रूफ सेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम YouTube पर रिंगटोन्स आती रहती हैं, ठीक है। तो हमारा मन करता है कि हम इसे ही अपने रिंगटोन पे तौर पे सेट कर लें इसे, तो लेकिन हम इसे सेट नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के लिए आप देख लीजिए, सिर्फ आप एक मिनट में किसी भी आप कोई भी अपनी मनपसंद रिंगटोन आप सेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे जो यूट्यूब पर रिंगटोन्स आ रही हैं तो आप उसे सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। इस तरह की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए देखने के लिए मिलती रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पर रिंगटोन आ रही है, ठीक है। तो मैं एक ये जो एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए दिखा दूँ, यहाँ पर ये रिंगटोन आ रही है, ठीक है। तो मैं इसे सेट करूँगा, इसे सेट करने के लिए आपके लिए दोस्तों करना है आपके यहाँ पर साइड में यहाँ पर थ्री डॉट देखने के लिए मिलना है इस रिंगटोन के, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ कहीं पर भी एक ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा रिंगटोन सेट का, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड कर ऑप्शन देखने मिलेगा, लेकिन ये YouTube में ही डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ से सेट नहीं होगी आपके मोबाइल में, यहाँ से सेट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है सेट करने का। तो दोस्तों आपके लिए करना है, आपके लिए एक सिंपल सा छोटा सा काम करना है आपके लिए, इस रिंगटोन का आपके लिए नाम देख लेना है, जो आप रिंगटोन सेट करना चाहते हैं उसका आप एक बार नाम देख लें, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस रिंगटोन का नाम आ रहा है वाजीगर, ठीक है। जैसे स्क्रीन देख सकते हैं वाजीगर एक्स एम से स्टैंड रिंगटोन, ठीक है। तो ये जो रिंगटोन हम इसे सेट करेंगे, इसे सेट करने के लिए आपकी मनपसंद कोई भी रिंगटोन आ रही हो आप उसे सुनना है, उसका आपके लिए एक बार नाम देख लेना है, ठीक है। जैसे मैंने इसका नाम देख लिया है, इसका नाम देखने के बाद आपके लिए अपने मोबाइल के गूगल में आ जाना, ठीक है। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ अपने मोबाइल में गूगल में, ठीक है। गूगल में आने के बाद आपके लिए यहाँ सर्च करना है MOVCUP मोब कप, ठीक है। तो आपके लिए मोब कप इसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके लिए सबसे फर्स्ट वाले इस ऑप्शन पे आपके लिए क्लिक कर देना है, ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके लिए कुछ इस तरह से एक नया इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। फिर दोस्तों आपके लिए करना है यहाँ पर रिंगटोन्स वाले ऑप्शन पे आपके लिए क्लिक करना है, ठीक है, इस ऑप्शन पे। तो मैंने कर दिया क्लिक, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके लिए यहाँ पर सब, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रिंगटोन्स हमने देखी थी, हमारी मनपसंद रिंगटोन कौन सी थी यहाँ पर मैंने दिखाया था वाजीगर, ठीक है। तो आपके लिए करना है ऊपर इस सर्च बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके लिए यहाँ पर सर्च कर देना है वाजीगर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ वाजीगर एक्स एम सी स्टैन, ठीक है, और रिंगटोन आपके लिए यहाँ पे डाल देना है रिंगटोन, ठीक है। या फिर आप रिंगटोन का नाम ही डाल सकते हैं केवल, और कुछ भी नहीं, ठीक है। डालने के बाद आपके सामने यहाँ सबसे ऊपरी यहाँ पे रिंगटोन आ जाएगी, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, इसे प्ले करके यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे सेट करने के लिए आपके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड वाले, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके लिए कुछ ऐड देखने को मिलेगा, तो आपके लिए इसे ऐड के लिए रिमूव कर देना है साइड से। करने के बाद आपके लिए फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पे आपके लिए तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर सेट नहीं होती है तो दोस्तों आपके लिए करना है इस यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगर दोस्तों आपका मोबाइल एंड्रॉयड है, ठीक है। अगर आईफोन है तो आपके लिए इस थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मेरा मोबाइल एंड्रॉयड है तो मैं यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ऊपर से ही इस ऑप्शन से ही सेट हो जाएगी, अगर नहीं होती है तो आपके लिए इस सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके लिए यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और जो आपकी फाइल मैनेजर में ये जो रिंगटोन है यहाँ से पहुँच जाएगी, जैसे ऊपर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों मैंने आपके लिए दिखा दिया कि हमारी फाइल मैनेजर में ये रिंगटोन आ चुकी है। चलो अब हम आपके लिए सेट करना भी आपके लिए बता देते हैं, ठीक है। छोटा सा ही काम है आपके लिए, क्या करना है, अपनी मोबाइल की सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों सभी मोबाइल की सेटिंग्स सेम होती हैं लगभग, तो आपके लिए अपनी तरह से देख लेना है, ठीक है। आने के बाद आपके लिए एक ऑप्शन देखने मिलेगा साउंड वाइब्रेशन का या फिर वॉल्यूम का, ठीक है, आपके मोबाइल में देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें आपके लिए एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा रिंग टून का, ठीक है। तो आपके लिए करना है रिंग टून वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर सिम वन सिम टू सेलेक्ट कर लेना है, जिस सिम पर आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके लिए यहाँ पे नीचे बहुत सारी रिंग टून देखने के लिए मिलेंगी, तो ये रिंगटोन्स देखने को मिल रही है, ये आपकी मोबाइल की साथ की रिंगटोन है, ये मोबाइल में ही आती हैं। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा ऑन दिस डिवाइस का, ठीक है दोस्तों। आपके लिए प्लस का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल सकता है, आपके लिए मोबाइल में फाइल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो आपके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे एक अपनी रिंगटोन डाउनलोड की थी, वो मैं आपके सामने बिल्कुल देख लेते हैं हमने कौन सी रिंगटोन यहाँ पर डाउनलोड की थी, ठीक है। तो मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ वो किधर गई वाजीगर। तो जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमारी जो रिंगटोन है यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है वाजीगर। तो आपके लिए करना है सिंपल तरीके से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो यहाँ से बैक आ जाना है और आपकी यहाँ से रिंगटोन लग गई है, ठीक है। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी रिंगटोन है यहाँ से सेट हो गई। तो दोस्तों आप इस तरह से यूट्यूब वीडियो की रिंगटोन को सेट कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो अच्छी लगी है। अगर दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए देखने के लिए मिलती रहेंगे, ठीक है दोस्तों।